देखिए, मैं हृदय से प्रधान संघ को धन्यवाद दे रहा हूँ, अखिल भारतीय प्रधान संघ को, उनके सारे पदाधिकारी को, मंडल अध्यक्ष भयंकर भैया को, जिला अध्यक्ष भैया को, सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि बिना किसी निष्पक्ष इन्होंने एक निर्णय लिया है कि मुझे समर्थन देने का। मैं इनका आजीवन ऋणी रहूँगा। और मैंने यही प्रयास किया अपने पिछले कार्यकाल में कि कोई प्रधान की कहीं उपेक्षा ना हो और कहीं कोई प्रधान संघ का कोई अधिकारियों से विवाद ना हो। यही कोशिश हमने की कि अपना 6 साल के कार्यकाल में प्रधान संघ को कहीं कोई ऐसा आंदोलन नहीं करना पड़ा, कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिले में जिससे प्रधानों को आघात लगे। तो मैं इस अवसर पर मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ समर्थन के लिए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये बहुत बड़ी मार्जिन से मैं जीतूँगा। और जो कह रहे हैं कि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ, आदरणीय भयंकर भैया आपको आगे बताएंगे कि वो प्रधान संघ के अध्यक्ष भी नहीं हैं जिले के, उनको बर्खास्त कर दिया गया। 9 निर्वाचित हमारे अध्यक्ष जी साथ में खड़े हैं, रविंदर भैया साथ में खड़े हैं। मदन यादव जो कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा है कि किसान सिंह चंचल भाजपा के प्रत्याशी नहीं, ये निर्दल प्रत्याशी है। अब ये वो पहले अपना बताएं, वो किसके प्रत्याशी हैं? वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तो है नहीं भाई। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। हमारे में तो AB फॉर्म भारतीय जनता पार्टी का लगा है, उनके में तो कोई फॉर्म नहीं लगा है। आज ये है कि समाजवादी पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए 2-4 विधायक उनको लेके फोटो खिंचवाने का काम। आज जो है अखिल भारतीय प्रधान संघ ने निर्णय लिया है कि जो पूर्व में हम लोगों ने मदन यादव को जिलाध्यक्ष बनाया था, लेकिन उन्होंने अपने गलत कार्यों से अधिकारियों के साथ जा करके गलत ढंग से बात करना, किसी प्रधान के साथ न खड़ा होना, और प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक चाहे जिला स्तर तक किसी भी पदाधिकारियों के साथ बेढंग की बात करना। आप ही पत्रकार साथी हैं, आपसे भी फ़ोन करेंगे तो बेढंग की बात करेंगे। आप किसी भी अधिकारी के पास चले जाइए, किसी भी अधिकारी के साथ गलत व्यवहार करते हैं। और प्रधान संगठन की बात रही, अभी हमारे माननीय जो MLC साहब, जो पिछले वर्ष जो है मैं जिला अध्यक्ष रहा, किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही ऐसा MLC कभी नहीं हुआ। हम लोग 4th बार MLC बनाने जा रहे हैं, लेकिन MLC साहब ने रिकॉर्ड कर दिया है कि 6 साल जो है कार्यालय खोल करके सभी प्रतिनिधियों का सुनने का काम किए हैं। ये नहीं पूछे हैं कि कौन सपा का है, कौन भाजपा का है, कौन भाजपा का है। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है, मदन यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पे हमने उनको बर्खास्त कर दिया है। आज ना हो तो कोई जिला अध्यक्ष हैं। वो जो पर्चा भरे थे, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के विरोध में पर्चा भर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग माननीय विशाल सिंह चलचल जी के प्रभाव से जो उनका जो व्यवहार रहा है उससे हम लोग जो है उठ करके इनको समर्थन देने का प्रधान संगठन ने निर्णय लिया है। कि पिछले साल भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इस समय भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। तो हम चाहते हैं कि जिले में 7 विधायक हो गए हैं विपक्ष का, तो हम चाहते हैं कि एक जिले में जनपद में लगाम कसने के लिए माननीय MLC साहब को और प्रधानों के हित में जीतना बहुत जरूरी है। जी, उन्होंने अभी पिछले अभी रिकॉर्ड देख लीजिए, अभी करीब 1.5 महीना पिछले जो है आए थे MLC साहब से जो है निधि भी ले गए हैं। उनकी जांच हाई कोर्ट से चल रही है, आपने देखा होगा कल जांच गई थी हाई कोर्ट की, उसको भी उसके बारे में भी MLC साहब से बात करके रुकवाने का काम किए थे। वे भ्रष्टाचार में भी लिप्त हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनकी पिछली बार उनकी लड़की प्रधान है, हम लोग तो आग्रह कर रहा हूँ कि लड़की बच जा, क्योंकि किसी की भी बेटी है। हम चाहते हैं कि प्रधान संगठन और माननीय MLC साहब से भी चाहूँगा कि उनकी बेटी को बचाने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि वो लड़की है, हम लोग की भी लड़की है। तो मैं चाहता हूँ कि जो कार्रवाई हो माननीय मदन जी पे हो, जो जिस ढंग से उन्होंने व्यवहार किया है, प्रधान संगठन के साथ भी उन्होंने व्यवहार किया है। कई साथी प्रस्तावक भी रो रहे हैं कि हमको गलत ढंग से उन्होंने कहा था कि आप भर दीजिए, कुछ हम लोग पा जाएंगे तो पर्चा उठा लेंगे। उन्होंने कई लोगों से वार्ता भी किया था, लेकिन कुछ साथी जो जनपद के साथी हैं, कुछ ऐसे जो MLC साहब के विरोधी हैं, उन्होंने उनको पर्चा वापस नहीं करने दिया, नहीं तो आज हमारे MLC साहब निर्विरोध हुए थे और ये मंत्री हुए होते।